हमें तो नजरें मिलने से पहले ही आपसे प्यार हो गया। सुन के शायद आपको ऐसा लगे कि हमारे दिमाग का पेच ढीला है, मगर जब से आपकी तस्वीर देखी है आपका ख्याल हम अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पाए हैं। और आज मिलके तो तय कर लिया कि जिंदगी आपके साथ ही बिताएंगे, मतलब शादी करेंगे तो आपके साथ ही। पहले लाइट गई चाहिए। तो सुनो भगवान, जाओ ना दीपक या मोमबत्ती की व्यवस्था करो ना। मैं जाती हूँ, लाइट को भी ना अभी जाना था। हाँ। विभोर, 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 आप कहाँ हो? विभोर, अरे आप तो घबरा गई। आपने तो मुझे डरा ही दिया। कहाँ चले गए थे? आपको छोड़ के कहाँ जाएंगे आप? हम जरा खिड़की बंद कर देते। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। अरे क्या हुआ भैया? रुक गई यार। एकदम सही जगह बाइक खराब की है। अरे यही तो है हमारी भाभी जिनसे आपकी शादी होने वाली है। लगता है दोनों से सब्र नहीं हो रहा है। उतरो तुम। अरे लो यार। मजाक मजाक सुन रहा है तुम्हें इस टाइम पे। रात को बाइक खराब हो गई है, ये सोचो ठीक कैसे कराएंगे। भैया वो सब आप देखिए, पर हमें तो हमारी होने वाली भाभी जी से मिलने दीजिए। क्यों भाभी? प्रणाम। क्या हाल चाल? सब ठीक है? सब कुशल मंगल? अच्छा बात बताइए, आपको हमारा ये लड़का कैसा लगा? अरे भैया वो इनकी विदाई के लिए वो लकड़ारे बुलाए कि नहीं? बकवास बंद करो, तुम्हारी असली भाभी से बात कराता हूँ, इधर आओ। हाँ लगा लगा भाई, उनको भी पता चले तो उनकी सोधन के साथ है। रात को कहाँ मटर गश्ती चल रही है? हाँ पीछे वो वही पेड़ है ना जिसके साथ कल तुम्हारी सौदन की याद आ रही थी। देखा, मैंने कहा था ना भाभी भी यही बोलेंगी, उनकी सौदन के साथ हो। बस आग लगा ले। वो तुम्हारे पीछे पीछे कौन है? कहाँ, कोई कोई भी तो नहीं है? नहीं विभोर, कोई तो था, मैंने देखा। मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे, पर कोई था विभोर। क्या यार भाभी, बिना मतलब कि आपने डरा दिया। वैसे ही लोग बोलते रहते हैं इस पेड़ के आसपास जो कोई चुड़ैल वुड़ैल भटकती रहती है। चुड़ैल तो होगी, सौदन कहेगी। अमृता पापा आ रहे, बाद में कॉल करते। ओके बाय।
सपना था। ऐसा लगा जैसे सच में मेरे साथ ही सब हो रहा था। चप्पलें कहाँ से आ गई मेरी? वर पक्षधर और वधु पक्षधर, अब आप एक दूसरे को लगन पत्र का भेंट करें। लाइए बहुत बहुत जी। हाँ लीजिए। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। अमृता विभोर, अब आप पास में आइए। अब एक दूसरे को ये अंगूठी पहनाएं। मुझे माफ कर दो कामना, मुझे मालूम है मैंने तुम्हारे साथ जानवरों जैसा बर्ताव किया है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कामना। तुम्हारे जाने के बाद मेरी जिंदगी जैसे खत्म ही हो गई, मेरे परिवार के सारे लोग मर गए कामना, मेरा धंधा भी बैठ गया, मुझे एक लाइलाज बीमारी हो गई जिसका कोई इलाज नहीं है। मेरी जिंदगी तो खुद एक सजा बन गई है, मुझे मुझे माफ कर दो कामना, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। आत्मा को मुक्ति मिल चुकी। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।